नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ये जो बयान है इससे एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वो बातें होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इमरान खान ने साफ तरीके से कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है उसमें फौज का नाम नहीं लेते, ऐसा अगर हो गया तो पाकिस्तान में ऐसे कानून है कि उनको जेल में भी डाला जा सकता है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो कहते हैं तो उसका नाम लेकर उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो कुछ भी ये जो आर्मी है, जो ISI है, ये इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है, उसको बंद कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सड़कों पर आएंगे। हालांकि तो सड़कों पर आना जो है वो उन्होंने कुर्सी के उतरते ही कर दिया था, और जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोला, पाकिस्तानी आवाम को अपनी ओर किया, उससे देख के ये पता चलता है कि इमरान खान के अंदर तो ये खूबी है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो जिस प्रकार से इमरान खान के भाषण को सुनकर हंस रहे थे, क्योंकि इमरान खान ने जिस प्रकार से ये कह दिया कि जो अमेरिका है उसने उसके कुर्सी को गिराया है, उसके वजह से पूरी दुनिया में भी ये बात हो रहा है कि जो इमरान खान है वो कैसे अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो में आए की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ, और जो पाकिस्तानी आर्मी है और ख़ास करके बाजवा जो है उसके बारे में और क्या क्या कहा है। तो क्या वजह थी, जल्दी क्या थी, तैयारी कर लेते, इंतजार कर लेते, डेढ़ साल और हुकूमत रह गई थी और वो उसकी वजह अब सबके सामने आ गई है। इनका कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। ये जो बैरूनी साजिश जो बाहर से मिलके इन्होंने किया है, वो डोनाल्ड लू ने जो हमें धमकी दी कि जनाब आप अगर इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हटा देंगे तो हम सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड लू ने जब वो साइफर भेजा तो अगले दिन ही जिसको भी उससे धमकी दी, अगले दिन सब कुछ होना शुरू हो गया। वो अदम अहतमाद भी अगले दिन हो गई, उसके बाद फिर लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया। यानी जब मायशत ऊपर जा रही है, पहले दो साल जाते जब मुल्क के हालात मुश्किल थे, जब हम कोरोना से भी लड़ रहे थे और फिर जो IMF के प्रोग्राम में हमने खर्चे अपने सारे काम किए, बेरोजगारी थी, तो जाना तो तब चाहिए था। तो जब 6% ग्रोथ रेट पर मुल्क जा रहा है तो क्या वजह है कि ये कोई 20-40 लोगों ने लौटे होने का फैसला किया? क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि मुल्क के अब हालात बुरे हैं, वो इसलिए जा रहे थे कि ये प्लान क्या हुआ था गवर्नमेंट गिराने का, और ये बैरूनी साजिश के अंदर ये मिले हुए थे साथ, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक है। और अब आपके सामने आ गया कि ये तो कोई कह रहे थे जी हमने महंगाई बहुत है, तो महंगाई तो अब उससे ज़्यादा बढ़ गई है और उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर मायशत ये कह रहे थे कि हम नाहल हैं, तो ये माशी हालात तो आपके अब सामने हैं। असल में ये क्यों आए थे? ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए। ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। NRO 1 किया था जनरल मुशर्रफ ने, जिसमें इस मुल्क की तबाही हुई, जिसमें ये दोनों ने आके मुल्क लूटा, 4 गुना ज़्यादा हमारे कर्जे बढ़ाए। और अब ये NRO 2 था कि जो इन्होंने 10 साल में चोरियाँ की थी वो माफ़ करवाने आए थे। अब ये तमाशा देखें क्या हो रहा है। आज ये NAB का जो बिल पास करेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज उस मुल्क में हो ही नहीं सकती। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर, NAB का सरबरा बन जाएगा। FIA जिसके अंदर इनके ऊपर वो मकसूद चपरासी के केस थे, और वो जो 4 अरब उसका था, 4.25 अरब, और 16 अरब नौकरों के नाम पे, और फिर 24 अरब के टोटल इनके इसके शहबाज शरीफ के केसेस थे। अब ये FIA के ऊपर भी खुद बैठ गया, NAB के ऊपर भी खुद बैठ गया। अब इनका मकसद क्या होगा कि जो इन्होंने चोरियां की थी, पहली चोरियां माफ हो गई थी, इन्होंने जो 11 साल 90 की दिहाई में चोरियां की थी वो जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दे दिया था, वो माफ हो गई थी, वो अरबों रुपया हजम कर बैठे थे। अब जो पिछले 10 साल की चोरियां थी 8 से लेकर 18 तक, अब उसके लिए इनको NRO चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारी साजिश इन्होंने की थी। अब ये कर जब NAB के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाएगा और FIA के ऊपर भी वो बैठ जाएगा, जिसमें अरबों रुपए के इनके 45 अरब रुपए के केसेस हैं शरीफ खानदान के, तो कभी किसी दुनिया के कानून के अंदर कभी मुलजिम भी काजी बना है? कभी ये हो सकता है कि मेरे केसेस हैं और मैं ही ऊपर फैसला करूं? और ये सबसे ज्यादा आज
पाकिस्तान की अदलिया का ट्रायल है। ये समझ जाए कि सारी कौम अब देख रही है ये मजाक कि अगर पार्लियामेंट ये पास भी कर दे तो क्या ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के साथ जाता है? किसी भी दुनिया में कानून में ये इजाजत देते हैं? कोई कानून ऐसा पास कर सकता है कि मेरे ऊपर ही केस हो और मैं ही फैसले करूं ऊपर? अगर सहूलत इनको देनी है तो जो पाकिस्तान में जेल में छोटी छोटी चोरों पर लोग भरे हुए हैं उनको भी ये सहूलत दे दें कि वो भी अपने ऊपर बैठा के और अपने फैसले करवा लें। और ये जितना बड़ा, एक तो चोरी का नुकसान इन्होंने किया मुल्क का, लेकिन जितना बड़ा इससे पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है इसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है इनके 10 साल में जो चोरी किया, हमें किस तरह का एक मुल्क मिला था जिसका दिवालिया निकला हुआ था। हमारे पास 3 हफ्ते के सिर्फ पैसे थे फॉरेन एक्सचेंज अपने फॉरेन लाइबिलिटीज़ के लिए। हमें मुझे पता है कि मुझे कितनी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब जाना पड़ा अपने दोस्त मुल्कों के पास और हाथ फैला के कि जी हमें पैसे दे दें नहीं तो हमारे मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। और फिर हमने कैसे मुल्क को उसमें से निकाला, और अल्लाह का करम है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आ रही है, ये तो अब हमने तो नहीं अनाउंस कर रहे ना, ये इनके दौर में परफॉर्मेंस हमारी अनाउंस ये कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो फिर ये जो इन्होंने तबाही की अपने 10 सालों में, अब क्या है इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीज़ों से ये बच जाएंगे और इनको माफ़ी दे दी जाएगी जबकि गरीब लोग जेलों में रहेंगे? मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये हमारे लिए एक फैसला कौन बात है। ये कामयाब हो गए, ये पहले तो इन्होंने नैब ख़त्म, आज समझ लेना नैब ख़त्म, ये समझ लें कि FIA ख़त्म, इसका मतलब इनकी चोरियाँ सब माफ़ हो गई, NRO 2 मिल गया। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इमरान खान ने जो बाजवा है उसको भी लपेटे में लिया है, और सबसे बड़ी यहाँ पे एक और बात हो चुकी है कि जो आर्मी है उसने कहा है कि वो जो है वो अपनी बजट जो है वो बढ़ाना चाहती है। दोस्तों पाकिस्तान के जिस पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, अगर वो अपने आर्मी में और पैसे डालेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हाल क्या होगी। हालाँकि अभी आने वाले 4 से 5 दिन जो पहले जो कुछ भी न्यूज आई थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से जो पैसे हैं उसको काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है कि जो बाजवा है वो चाहता है कि जो यहाँ पे पैसे हैं उसको बढ़ाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जिस प्रकार से अपने लोगों को डरा के रखती है और कहती है कि अगर वो यहाँ पे पैसे नहीं बढ़ाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगे तो जो इंडिया है वो उन पर अटैक कर देगा और वो कुछ नहीं कर सकते। और ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी है, क्योंकि आज इंडिया के पास इतने डेवलप मशीन गन या फिर जो कुछ भी बहुत कुछ हो चुका है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाजवा और बहुत सारे पाकिस्तान के और लोगों में भी जो दूरियां हैं वो पैदा हो गई है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं बाजवा को मरवाने की भी कोशिश की जा सकती है। और जिस प्रकार से इमरान खान के बयान आ रहे हैं इसको भी यहाँ पे इससे जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो भी इतना ही, आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।